बैक टू माई चैनल द रेखाज गैलरी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम प्यारी सी बीन्स और कॉर्न की सब्ज़ी। तो ये बीन्स कॉर्न की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। ये बहुत ही कम मसालों में मिलाकर बनाई हुई है, टेस्ट में भी अच्छी और हेल्थ से भरपूर। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, हमें मिक्स वेज खानी ही खानी चाहिए। बीन्स हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है, तो हमें मिक्स वेज तो खानी ही चाहिए। तो इसके लिए ले लिया है बीन्स, शिमला मिर्च और ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर गाजर ले ली हुई है, थोड़ी सी मटर और थोड़े से कॉर्न। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी कई सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन ले लिया है और पैन में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। मैं डेली की कुकिंग मस्टर्ड ऑयल से ही करती हूँ, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर डाल दिया इसमें जीरा और जीरे के साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ी सी इसमें डालेंगे बनारसी राई। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लें इसको। और अब बारी आती है सब्जियों की हमारी। यहाँ पर गाजर डाली है, शिमला मिर्च और बीन्स, ये रही। आप अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, मटर, ये रहे हमारे कॉर्न। जो भी सीजनल सब्जियाँ हैं, जो भी आपको पसंद है, वो मिक्स करके बना सकते हैं आप। मेरे घर पर यही अवेलेबल थी तो मैंने यही बनाया। आप पनीर और आलू भी डालकर मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने यही सिंपल रेसिपी बनाई है। ये टाटा हिमालयन पिंक सॉल्ट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, इसीलिए हमें यही नमक यूज़ करना चाहिए। अच्छा सा मिक्स कर दे, बस हमारी सब्जी मिक्स हो गई है। और मिक्स करने के बाद में इसको लिड लगाकर हमें पकाना है, एकदम स्लो फ्लेम में पकाना है, एकदम स्लो में, ताकि सब्जी हमारी पक तो जाए पर कहीं से लगे ना। ये देखिए, अब बीच बीच में इसको चलाकर देखते जरूर है कि हमारी सब्जी कहीं से चिपके ना, अगर वो चिपक जाएगी तो फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, अभी तक इसमें मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले हुए हैं ऐसे, क्योंकि कभी कभी बिना मसालों को, और इस समय तो बहुत गर्मी पड़ रही, तो आप हल्के ही मसाले खाएंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, अच्छा सा मिक्स कर दिया है और सब्जी हमारी लगभग पक ही चुकी है। अब खोल के बस इसको थोड़ा सा फ्राई ही करना है। और अब इसमें स्पाइसेस कोई भी नहीं डाले हुए थे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर रेड चिली या कोई भी मसाले का यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा बस ब्लैक पेपर पाउडर डाला हुआ है हल्का से स्पाइस के लिए। ये देखिए, और हमारी सब्जी लगभग बनकर रेडी हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। ये देखिए, एक चम्मच क्रश करके मैंने कसूरी मेथी यहाँ पर डाल दी है। और बस ये लीजिए, हमारी मिक्स वेज तैयार हो गई है सर्विंग के लिए। तो इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और इसको आप पूरी, पराठे, रोटी, नान किसी के साथ में अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं बनाकर। और बनाकर देखिएगा ज़रूर। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मुझे ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट करें। जब ये बनाकर ट्राई कर लें तभी मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।